गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेक अनदर चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशन। बेटा दिस चैप्टर आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर। इन दिस टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर। ओके, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, You will try to find out their answer. Okay. So question number one. Which were the main causes of the rise of the bhakti movement? Question है, bhakti movement जो था वो rise होने का क्या कारण था? Danger of the spread of the Islam religion. कि Islam जो religion था वो फैल रहा था, area बढ़ रहा था, तो peoples को bhakti movements की जरूरत थी. Impact of the Sufism. जो थे सूफी वाले बंदे थे ये पीपल्स को इम्प्रेस कर रहे थे, तो इसलिए भक्ति मूवमेंट ओरिजिन हुआ। कॉम्प्लिकेशन इन द हिंदू रिलीजन में कॉम्प्लिकेशंस थे। कॉम्प्लिकेशन मतलब यहाँ के ब्राह्मण्स ने उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया था कि जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं या फीमेल्स वगैरह हैं वो पूजा ही नहीं कर सकती थी, तो वो सभी पीपल्स जो थे ईजीएस वे ढूंढते हैं रिलीजन का, पूजा वगैरह प्रेयर वर्कशिप का, इसलिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इफेक्ट ऑफ द रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स क्या होते हैं बेटा? रिफॉर्मर्स होते हैं रिफॉर्म्स करते हैं, यानी कि जो चीज़ चल रही होती है उसमें को अपडेट करते हैं एंड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कि भाई नहीं ये गलत है ये सही है। जैसे पहले क्या था, ब्राह्मण्स कहते थे वेदों के को पढ़ोगे तो ही आप मोक्ष को गेन कर सकते हो, और वेदों को नहीं पढ़ेंगे तो आप गेन नहीं कर सकते, ये सारी चीजें थी। लेकिन जैसे जैसे जो पीपल्स थे भक्ति मूवमेंट आया, उन्होंने कहा कि नहीं भगवान का नाम लेते रहो सारे दिन, अपने ये कुछ चीजें हैं इनको फॉलो करो तो आप मोक्ष गेन कर सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट वर द मेन प्रिंसिपल ऑफ द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का जो मेन प्रिंसिपल जो था, सिद्धांत जो था वो क्या था, वो लोगों को क्या कहता था? वो कहता था गॉड इज वन एंड ही अलोन शुड बी वर्शिप, कि भगवान एक है और हम सभी को उन्हीं की ही पूजा करनी चाहिए। देयर इज ए ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, सभी से भाईचारे का व्यवहार रखो। फॉलोइंग द पाथ ऑफ द ट्रू डिवोशन, सच्चाई मतलब मार्ग अपना। एम्फेसिस ऑन राइट एक्शन, जो कुछ भी आप करते हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब ये कॉमन सिंपल बातें, जरूरी नहीं है कि आप गीता पढ़ो हनुमान चालीसा वगैरह, नहीं, आप अपने काम जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उन्हीं कामों को ऑनेस्टली करेंगे तो यू विल गेट, सॉरी, दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ द भक्ति मूवमेंट। व्हाट इज मीन्ड बाय सूफिज्म। सूफिज्म क्या था? यह इस्लाम का रिफॉर्म्स मूवमेंट था विच लेड एम्फेसिस ऑन द टॉलरेशन फ्री थॉट एंड लिबरल आइडिया। दीज सूफीज बिलीव इन द इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बींग। जैसे हिंदू में कॉम्प्लेक्स थे उसी तरह ही इस्लाम में भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ था, तो जो सूफिज्म जो था वो बिल्कुल हिंदुओं की तरह ही, सॉरी, भक्ति मूवमेंट की तरह ही था। ये भी जो इस्लाम में कॉम्प्लेक्स सिस्टम थे उनको अपोज कर रहा था। डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सूफिज्म क्या था? इनका भी यही था, गॉड इज वन एंड ऑल मैन आर देयर चिल्ड्रन। One should lead a good life rather than running after ritual and useless religious ceremonies. क्या आपको किसी भी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हैं? कोई रीति रिवाज नहीं करने आपको। Sufism laid emphasis on seeking salvation through intense devotion and love for God, for following His command. कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, सबको दान पुण्य करते रहो, ये था। Throw light on the main effect of the Sufism. Sufism played a great part in promoting the feeling of tolerance among the Muslim. Samanjasya bithana chahta tha. It encouraged the feeling of Hindu-Muslim unity. Ye Hindu-Muslim unity ko badhana chahte the. Wo sabhi ko yehi kehte the ki sabhi se hi humko miljul kar rehna chahiye. It had a liberalizing on the state policy of many Indian ruler like Akbar. Akbar jaise kai jo the unhone bhi inki jo policies jo thi unko adopt kiya. It promoted pilgrimage to religious places. Inhone badhawa diya ki hame religious places par
जाना चाहिए। राइट द नेम ऑफ फोर सूफी संत, तो हजरत ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती, हजरत ख्वाजा मोहिद्दीन निजामुद्दीन, सॉरी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, नशरुद्दीन चिराग एंड हजरत ख्वाजा सलीम चिश्ती, ये इनके फोर के नेम है, लिख लो। वॉट पॉलिसीज वर अडॉप्टेड बाय द भक्ति संत टुवर्ड लोअर क्लासेज एंड वुमेन, भक्ति संत ने क्या पॉलिसीज बताई लोअर क्लासेस को और वुमेन्स को। इन दिस मोमेंट नो इम्पोर्टेंस वार अटैच टू कास्टिज्म, सो लोअर क्लासेज एंड वुमेन वर एक्सेप्टेड ऑन द सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। इन्होंने कहा कि फीमेल्स वगैरह जो हैं, भगवान जो हैं, पर्टिकुलरली किसी कास्ट से नहीं जुड़े हुए हैं, सभी पीपल्स इनकी पूजा कर सकते हैं, चाहे वो लोअर क्लास का हो या फीमेल्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ टेम्पल्स के नेम बताओ जो चोला रूलर जो थे उन्होंने लिखे थे। चिदम्बरम था एक टेम्पल, तंजावर था और गंगाई गोंडा चोलापुरम टेम्पल। वाई डू द हिस्टोरियन ड्रॉ आ ऑन हेग्योग्राफी और बायोग्राफी और सन रिटन बाय देयर फॉलोग्राफ रिटन बाय देयर फॉलोवर। हिस्टोरियन जो थे उन्होंने हेग्योग्राफी और बायोग्राफी जो थी जो उनके फॉलोवर्स ने लिखी थी संतों की, उनको क्यों रीड किया। दिस बायोग्राफी ऑफ संत हेल्प द हिस्टोरियन इन फॉर्मिंग एन आइडिया ऑफ देयर लाइफ्स एंड टीचिंग ऑफ द संत। इसके जरिए जो संत वगैरह उनकी लाइफ कैसी थी, वो क्या लोगों को शिक्षा देते थे, इससे इनसे पता चलता है। अच्छा, दे ऑल्सो प्रूव यूजफुल इन गेटिंग नॉलेज ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल की जो लाइफ वगैरह है वो भी पता चलता है। वाई डू थाउजेंड ऑफ द डिवोटी विजिट दरगाह ऑफ मुस्लिम संत। मुस्लिम संतों की दरगाह पे पीपल्स क्यों जाते हैं, उर्स वगैरह जो मैंने पहले बताया था है, उस दिन मानते हैं कि भगवान के साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजें। दरगाह टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ द संत टू अटेन मटीरियल एंड द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। दरगाह पे जाते हैं उस संत की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, मटीरियल्स उनकी स्पिरिचुअल्स जो हैं वो बिलीफ्स वगैरह थी, इसलिए। दे फील दैट व्हेन एनी संत डाई ही इज यूनाइटेड विद द गॉड एंड हैंस ही अटेन मोर पावर टू ब्लेसिंग हिज डिवोटी। उनकी मरने के बाद में वो भगवान के पास चला जाता है और उसकी जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने शिष्यों को वो पावर देंगे। हु वर लिंगायत मेंशन एनी आइडिया दैट दे चैलेंज। लिंगायत जो थे फॉलोवर्स ऑफ द कनाडा थे, लिंगायत जो थे कर्नाटक में जो संत वगैरह थे जिनका नाम था बसावाना, उन्होंने लिंगायत बनाया था 12th century AD में। ये शिव के वर्शिप करते थे और उनके लिए एक लिंगा टाइप का एक सिंबल अपने साथ में रखते थे, इसलिए उनको लिंगायत कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, दे चैलेंज द आइडिया ऑफ द कास्ट एंड द पॉल्यूशन थ्योरी प्रीपाउंडेड बाय द ब्राह्मण है, और जो कास्ट के जो चैलेंजेस वगैरह थे जो ब्राह्मण्स फैलाते थे पॉल्यूशन वगैरह के बारे में। पॉल्यूशन मतलब कि कोई पवित्र है पवित्र है उसके बारे में, सारी सभी चीजों को ये मना करते थे। नेक्स्ट है, हु वर द अलवराज एंड नारायणन एंड इन विच लैंग्वेज दे सिंग, किस लैंग्वेज में ये होते थे। अलवराज और ये नारायण जो थे भक्ति संत थे तमिलनाडु के। ओके, 16th century में इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था। अलवराज जो थे वो विष्णु डिवोटी होते थे और जो नारायण जो हैं वो शिवा के डिवोटी होते थे, और ये ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और तमिल लैंग्वेज में भगवान के सिंग भजन गाते थे, हवन वगैरह करते थे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिलसिला इन सूफिज्म। सूफिज्म में जो सिलसिला है उसका क्या मीनिंग है, मैंने शायद MCQs में दिया था। सिलसिला का मतलब होता है जंजीर, चेन। ओके, यह जो चेन होती है ये लिंक करती है बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल्स को जोड़ती है, और इन दोनों के साथ में प्रोहिबिट जो मोहम्मद साहब हैं वो भी जुड़े हुए रहते हैं। यह एक अनब्रोकन चेन होती है।
ठीक है, और उससे उसके डिसिपल्स को एक प्रकार की स्पिरिचुअल पावर जो है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द टू अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट ऑफ तमिलनाडु गिविंग द डिफरेंस बिटवीन देम। अच्छा, मेंशन टू अर्लीस्ट मूवमेंट ऑफ द तमिलनाडु गिविंग द डिफरेंस बिटवीन देम। तो टू भक्ति कौन से थे मूवमेंट, अल्वाराज और नारायण जो थे ये टू थे हैं, और एक विष्णु जी का था और दूसरा शिव जी का था। नेक्स्ट, नेम द टू वुमेन पॉइट संत ऑफ तमिलनाडु हुम डिड दे वर्शिप। दो पॉइट संत जो थे उनके नेम्स लेने हैं और वो किसकी पूजा करते थे। तो एक का नाम तो था अंडाला था, दूसरा था कराईकाल था। अंडाला जो वर्शिप करती थी विष्णु की करती थी, और कराईकाल जो थी वो शिवा की पूजा करती थी। नेक्स्ट है, वाई वाज ख्वाजा मुहिद्दीन दरगाह वर सॉरी वेरी पॉपुलर गिव टू रीजन। क्यों थी? एक तो क्या था, ये गुजरात वाले रीजन रास्ते पे थी, गुजरात जाने वाले, तो अकबर जो थे वो भी गए थे उसी के ऊपर, ठीक है। और दूसरी, वहां के जो शेख थे उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई थी, इस वजह से भी था, ठीक है। पॉपुलर जो थे हिज डेथ बिकॉज द ग्रेटनेस ऑफ हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर, काफी सारी चीजें थी। इनको रॉयल पेट्रोनेज भी मिला हुआ था, मैंने बताया अकबर जो थे कई बार उन्होंने विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज ख्वाजा मुहिद्दीन दर, अच्छा तो हो गया, राइट द मीनिंग ऑफ द जिम्मा हु वर जिम्स, ये क्या है? तो जिम्मा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। ओके, जिम्मी वर द प्रोटेक्टेड पीपल लाइक द जू एंड द क्रिश्चियन लेटर, और बाद में हिंदुओं के लिए भी ये वर्ड जोड़ दिया गया था कि जिम्मा जो था है प्रोटेक्टेड करता है मुस्लिम पीपल्स को, किन से? जू से, क्रिश्चियन से और हिंदू से। हु फॉलोड अदर रिलीजन बट हु बिलीव अंडर मुस्लिम रूलरशिप, फॉर देयर प्रोटेक्शन दे हैड टू पे आ रिलीजियस टैक्स नॉन एज जिजिया टू द मुस्लिम रूलर। अच्छा, इनसे बचाने के लिए और अपना ज्यादा पावर बढ़ाने के लिए ये इन नॉन मुस्लिम पीपल से जजिया टैक्स वगैरह लेते थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द आइडियाज ऑफ ब्राह्मणिकल सिस्टम चैलेंज बाय द लिंगायत। लिंगायत जो थे ब्राह्मणिकल बुक्स में जो लिखा हुआ था उनको वो कैसे चैलेंज करते थे? एक तो क्या था, वो कास्ट सिस्टम को ही नहीं मानते थे, हैं? कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे। तो कास्ट में ना, जब कास्ट सिस्टम को नहीं मानेंगे तो ब्राह्मण्स ने बना रखा था ऊंची जात, लोअर कास्ट, अपर कास्ट वगैरह, तो ये उस सिस्टम को भी नहीं मानते थे। पॉल्यूशन वाले सिस्टम को भी वो नहीं मानते थे। इसके अलावा जो ब्राह्मण्स कहते थे पीपल्स का बर्थ होता है, रीबर्थ होता है, ये उसको भी नहीं मानते, रीबर्थ को ये लोग नहीं मानते थे। नेक्स्ट, इन विच टू ब्रॉड कैटेगरीज हैड द अर्लीस्ट भक्ति ट्रेडिशंस बीन क्लासिफाइड, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ईच। इसमें क्या था, जो कैटेगरी बना रखी थी भक्ति ट्रेडिशंस की, क्या क्लासिफाइड था वो? टू ब्रॉड कैटेगरी थी संग, दो कैटेगरी थी सगुण और निर्गुण। ओके, जो सगुणा जो ट्रेडिशन थे वो एम्फेसिस करते थे वर्शिप ऑफ लॉर्ड, भगवान की पूजा पे वो जोर देते थे, और इसके लिए उन्होंने उनको ह्यूमन फॉर्म्स बना रखा था। जैसे भगवान शिव जी की मूर्ति देखी होगी आपने, विष्णु जी की देखी होगी, देवी देवताओं की जो मूर्तियां देखी, यानी कि इन्होंने ह्यूमन शेप्स में उनकी पूजा करते थे सगुण वाले। निर्गुण वाले विदाउट किसी इमेज की भगवान की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म जियारत गिविंग इट पर्पज। जियारत क्या होती है? जियारत का मतलब होता है जो सूफी संत वगैरह होते हैं उनकी टॉम्ब पर जाओ। दे प्रैक्टिस इज स्टिल प्रिवेलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड इन चीजों को फॉलो करते हैं। दिस पिलग्रिमेज इज डन टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ द सूफी संत टू अटेन मटीरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट, क्योंकि ये मानते हैं मुस्लिम की मरने के बाद में ये जो सूफी संत हैं ये भगवान के साथ में मिल जाते हैं, जिनके बाद में डेथ के बाद में इनकी जो पावर है पहले से ज्यादा बढ़ जाती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाट हिस्टोरियंस मीन बाय इंटीग्रेशंस ऑफ कल्ट। अच्छा, इसमें क्या था, 8th से लेकर 18th सेंचुरी तक जो डिफरेंट टाइप के रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिस थे उनके लिए क्वेश्चन है ये। इसमें टू टाइप ऑफ वर्क थे, जो एक तो क्या था, लिंक विद द ब्राह्मणी कल्ट, ब्राह्मण कुछ पीपल जो हैं, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट, मतलब कि सभी पीपल जो थे एक प्रकार से कैसे इंटीग्रेशन, मतलब यूनिटी बनी हुई थी पीपल्स के बीच में। डिफरेंट तो उसमें यह था कि टू सिस्टम को फॉलो करते थे, एक तो था ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलते थे जो संस्कृत में लिखे हुए थे, पुराण वेद वगैरह थे। अच्छा, जिनको इस वैदिक ट्रेडिशन से फीमेल्स को और जो शूद्रा जो बैकवर्ड जो क्लासेस थी उनको निकाल रखा था, यानी कि एक ट्रेडिशन में कैसे आपको भगवान की पूजा वगैरह करनी है वो लिखा हुआ था, दूसरे में उनके लिए था मोस्टली वुमेन्स और शूद्रास के लिए था, वो कैसे अपनी पूजा वगैरह करेंगे, दोनों एक दूसरे मतलब एक ही कास्ट के पीपल होते हुए टू डिफरेंट कल्ट्स को वो फॉलो करते थे और उसके बावजूद दोनों में यूनिटी वगैरह बनी हुई थी। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ में बेटा फर्स्ट पेज में था ना, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इसके साथ में ही पूरा जो इंडिया था उसमें शिव और विष्णु की जो पूजा होती थी उनके जो फॉलोअर्स थे उनमें भी यूनिटी थी, है इनको भगवान के अवतार माना जाता था। पहले जो विष्णु जी हैं मोस्टली साउथ इंडिया में पूजे जाते थे और नॉर्थ इंडिया में शिव जी पूजे जाते थे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हमने ये देखा है कि विष्णु जी के जो अवतार वगैरह हैं वो नॉर्थ इंडिया में भी आ गए थे। तो किस वजह से आए थे, इसी तरह ही जो गॉडेस की जो पूजा होती थी उनको कहीं ना कहीं गॉड का की वाइफ वगैरह रिप्रेजेंट करके, जैसे लक्ष्मी जी की अपन पूजा करते हैं तो ये विष्णु जी की पत्नी के अकॉर्डिंग ये पूरा, इसी तरह पार्वती की जो पूजा करते हैं वो शिव जी की पत्नी के अकॉर्डिंग, तो पूरा जो सिस्टम था एक कॉम्प्लिकेटेड सा बना रखा था, लेकिन फिर भी कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं होते थे। नेक्स्ट करते हैं, इसमें जो मॉस्क थी उस टाइम की, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉस्क इन द सब कॉन्टिनेंट रिफ्लेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिवर्सल आइडिया एंड लोकल ट्रेडिशन। यानी कि उस टाइम में जो मुस्लिम की जो मॉस्क वगैरह बनती थी उसमें यूनिवर्सल आइडिया थे, यानी कि मुस्लिम जब इंडिया के अंदर आए थे तो वो उस तरह की मॉस्क बनाते थे जैसी अरब कंट्रीज में या मुस्लिम एरिया जो थे वहाँ की मॉस्क बनती थी वैसे, लेकिन धीरे धीरे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन मॉस्क में लोकल जो मटेरियल था वो लगने लग गया और थोड़ा थोड़ा सा लोकली टाइप की वो मॉस्क वगैरह थी वो फीचर्स बनने लग गए हैं। वो पूरा का पूरा वो सारा आ जाएगा मॉस्क के बारे में, उनके आर्किटेक्चर के बारे में, वो वाला आपको इसके अंदर लिखना है। बाकी अपन नेक्स्ट में कर देंगे।